श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। कई बार हम लोग अपनी कोई तारीफ करता है तो उससे बह जाते हैं और फिर अपने जीवन का जो लक्ष्य है वही भूल जाते हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति अपना कोई किसी ने अच्छा बुरा कहा तो उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, और यदि किसी ने हमारी तारीफ करी तो उसके द्वारा बह नहीं जाता, तभी उसका मन का जो संतुलन है वो बना रहता है। ये ले लो पानी, ये ले लो, पिला पानी इनको, हाँ ये ले लो, हाँ है बहुत पानी है, मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास है ये, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो अपने मन के संतुलन को बनाए रखना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। ऐसा ही व्यक्ति साधक है, बाकी के अपने आप के बाधक है। तो जब इनकी बड़ी तारीफ हो रही है कि देखो तुम्हारे जैसा वैराग्यशाली कोई नहीं है और तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, और आगे कहते हैं नैषा तर्क मतिरापने या प्रोक्तान्ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ट याम त्वाम सत्य धृतिर्बतासि त्वाक् ध्रु अन्यो भूया नचिकेतः भ्रष्टा। एषा मति तर्केण न आपनीया, ये तत्व के बारे में जो समझ है ज्ञान है ये लॉजिक से नहीं मिलती। देखो जो व्यक्ति लॉजिक में फंसे है वो केवल आर्गुमेंट में ही नष्ट हो जाते हैं। कारण क्या है, लॉजिक क्या है, कार्य कारण मीमांसा को लॉजिक कहते हैं, और तत्व क्या है जो कार्य कारण के परे है। जब तक कि हम कार्य कारण में कॉज एंड इफेक्ट इसमें रहेंगे तब तक के भटकते रहेंगे। इसीलिए एक सिद्धांत है कॉज एंड इफेक्ट इज एन इल्यूजन, कार्य कारण मिथ्या। जहां कार्य कारण शुरू होता है संसार शुरू हो गया। देखो इसीलिए हम किसी को भी ये प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज नहीं करते। ये प्रश्नोत्तरी क्या होती है, प्रश्न पूछने वाला कौन है जिसके जीवा को खुजली हो गई है वो प्रश्न पूछता है, और उत्तर देने वाला कौन है जिसके बुद्धि को खुजली हो गई, दो खुजली वाले इकट्ठे हो गए और कुछ नहीं होता उसमें। एक बार यूएसए में मायामी में हम थे, एक वहां बहुत बड़े महात्मा है अपने हिंदुस्तानी है, वहीं सेटल्ड है वो, तो उनके पास हम लोग गए हमारे होस्ट के साथ। तो वहां गए, नमस्कार चमत्कार हुआ, और फिर उन्होंने पूछा, हाँ पूछो क्या पूछना है आपको। तो हमारे होस्ट ने हमारे तरफ देखा तो हम उधर देखे, फिर उन्होंने कहा हमारे स्वामी जी बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछने देते और आप हमको कहते प्रश्न पूछो। फिर उन्होंने कहा प्रश्न नहीं पूछोगे तो जानोगे कैसा, प्रश्न तो पूछना ही चाहिए, शास्त्रों में कहा है तद विज्ञानार्थम गुरुमेव आविगच्छेत, और वहां प्रश्न पूछो, क्यों नहीं प्रश्न पूछना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, उत्तर दिए, टाइम पास हो गया, निकले, बोले स्वामी जी आप तो हमको प्रश्न पूछने नहीं देते, इन्होंने तो कहा पूछो, हमने कहा तुमने प्रश्न पूछे उन्होंने उत्तर दिए, क्या मिला, कुछ निकला उसमें से। देखो हमारे प्रश्न कैसे होते हैं, भगवान राम यदि भगवान थे तो वाली को पेड़ के पीछे छुप के क्यों मारा, ये प्रश्न है।
अब सवाल ये है, वाली को प्रॉब्लम नहीं, राम को प्रॉब्लम, तुम क्यों परेशान हो रहे? कोई जरूरत है जानने की? नहीं नहीं उन्होंने फिर हमको बताया, नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमको किसी सत्संग में हमने सुना था कि वाली के पास ये शक्ति थी कि अगला जो उनके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति इनके पास ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो जाती थी, तो अगला आदमी हमेशा इनसे वीक हो जाता था। यदि भगवान राम की आधी शक्ति वाली के पास चली गई तो आधी शक्ति भगवान राम की, उसकी अपनी शक्ति, तो वो तो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा ना। भगवान राम को मालूम था इसीलिए उन्होंने चुपके मारा। हमने कहा तुमको मालूम था तो मुझे पूछा, बताया पूछा क्यों? बोले आपको बताने के लिए, आपको मालूम नहीं तो कोई पूछे तो बता देना। देखो फिर मैंने उनको कहा आपको आधा ही मालूम है, उसका अगला मालूम नहीं है। अगला क्या है? अगला ये है, वाली में जो शक्ति थी ये अगले की आधी शक्ति खींच लेता है, इसीलिए घर वाली के सामने सभी पति महाराज एकदम चुप हो जाते हैं, कि वो भी वाली है ना, घर वाली। बाहर कितना भी शेर हो, घर आए तो बिल्ली म्याओ म्याओ। अध्यात्म का तात्पर्य गंभीरानंद नहीं, रिलैक्स। देखो नैशा तर्के न मति रापने या, ये लॉजिक में मत फंसो कभी, ये क्यों ऐसा या ऐसे ही होता है, उसे कोई मतलब नहीं उसका। और प्रोक्ता अनन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ट, और इसको योग्य प्रकार से वही बता सकता है जो अनन्य है, माने जो इस अनुभूति में निष्ठावान है, जो बोल रहा है अपने अनुभूति के शब्द बोल रहा है, तभी ये बात दिमाग में उतरती है। देखो और याम त्वम आप सत्य धुतिर बतासी, और हे नचिकेत तुम उस प्रकार के हो कि तुम अपने तर्क में फंसे नहीं हो, और तुम्हारे जैसा शिष्य हमारे जीवन में आ जाए यही हमारी हमेशा इच्छा रही है। जानाम्यहम शेवदीरित्य नित्यम न ध्रुव न ही अध्रुव ही प्राप्यते ध्रुवम यत् ततो मया नाचिकेतश्चितोग्नि अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम। और मैं देखो ना अपनी बात बताता हूं, कहते हैं कि हे नचिकेत मैं जानता हूं अनित्य के माध्यम से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर भी मैंने यह अग्नि का चयन किया और इस चयन के फलस्वरूप मुझे ये याम्य पद प्राप्त हो गया, और अब मुझे समझ में आता है कि मेरी गलती कहां हो गई। लेकिन अब मेरी यहां अपॉइंटमेंट हुई है, जब तक के ये पूरी साइकिल खत्म नहीं होगी तब तक के मुझे यही धंधा करना पड़ेगा। लेकिन तुम कितने समझदार थे, तुमको इतना सारा दे दिया लेकिन तुम बिल्कुल उसमें अट्रैक्ट नहीं हो गए। कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठाम क्रतोर अनन्य अभयस्य पारम स्तोम महत उरुगाय प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोत्य स्राक्षी। ये सब मिलते हुए भी जो तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुमने ये सब को धृत्या समझदारी के साथ और अपनी हिम्मत के साथ सब का सब तुमने त्याग दिया है, जितना भी तुमको दिया था। क्रतो हो अनंत्यम अभयस्य पारम, तुमको ये जन्म मृत्यु के परे ले जाने के लिए और जो जो कुछ अच्छी चीजें हैं स्वर्ग इत्यादि का सब ने तुमने त्याग कर दिया। और ऐसे जो तुम हो तम दुर्दर्शम गुड़ मनुप्रविष्टम गुहा हितम गौवरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोक जवादि। ये जो तत्व है ये अत्यंत सूक्ष्म है, गुढ़म अनुप्रविष्टम, और इसीलिए यह अध्यात्म योग अधिगमेन, इसको केवल अध्यात्म योग से ही जाना जा सकता है। अध्यात्म योग क्या है? अध्यात्म योग है आदि भौतिक, आदि दैविक और अध्यात्म। आदि भौतिक दुनियादारी, आदि दैविक अनेक शक्ति का आह्वान करना, और अध्यात्म अपने स्वरूप के बारे में। तो जो अध्यात्म योग है, अध्यात्म योग एक ही है, कस्त्वम को हम कुतम आयातः कामे जननी को मे ताता, ये अध्यात्म योग है।
बाकी नहीं, इसने क्या किया उसने कुछ मतलब नहीं है इससे। देखो मनुष्य उसमें फंस जाता है अनावश्यक चीजों में। सो एता श्रुत्वा संबरिगुरिय मर्त्य प्रवृज धर्म मणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृत्तम सद्म नचिकेत सम्मन्ने। हे नचिकेत, मैं तो यही समझता हूं कि तुमको तो ये तत्व प्राप्त होने की स्थिति प्राप्त हो ही गई है। मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, अब तुम्हारे जीवन से सब कष्ट खत्म हो जाएंगे, तुम बहुत ही धन्य हो, धन्य हो। ये सब उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन तत्व क्या है अभी तक नहीं बताया। देखो ये जो गांठ थी नचिकेत ने पकड़ ली। नचिकेत शांत है, आप करते जाओ तारीफ, करते जाओ तारीफ। देखो और फिर कहते हैं नचिकेत, आप बिल्कुल, ये जो मंत्र है बड़ा जबरदस्त मंत्र है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। कहते हैं भगवान, जो धर्म अधर्म के परे है, अब मैं KG1 KG2 में नहीं हूं। ये करोगे तो पाप लगेगा, ये करोगे तो पुण्य लगेगा, ये चक्कर से मुझे डराओ मत। फिर अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, कृत माने कार्य, अकृत माने कारण। मुझे ये कार्य कारण में मत फंसाओ, ये करने से ऐसा होगा, वो करने से, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कार्य कारण प्रकृति को कहते हैं, पूरी प्रकृति जो कार्य कारणात्मक है, जैसे पंच महाभूत कारण है और पंच विषय कार्य है, पंच महाभूत कारण है, पंच ज्ञानेन्द्रिय कार्य है, पंच महाभूत कार्य है, पंच प्राण कार्य है, इस प्रकार से प्रकृति कार्य कारणात्मक है। तो बोले मुझे ये कार्य कारण के चक्कर में मत बताओ। तो उन्होंने आदि भौतिक का त्याग कर दिया, आदि दैविक का त्याग कर दिया। और फिर अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, जो भूत भविष्य के परे है, माने मुझे डराओ मत, इतने साल जिंदा रहोगे, ये नहीं करोगे तो मर जाओगे, स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दिस ऑल यूजलेस थिंग्स। काल के परे जाना माने काल का अर्थ योग्य प्रकार से ग्रहण करना। देखो हमारे लिए काल किसको कहते हैं, हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, एक घंटा, दो घंटे, छह घंटे, एक दिन, दो दिन, एक साल, दस साल, एक मिलीनियम, दस मिलीनियम, एक युग, चतुर्युगी और ऐसी 74 चतुर्युगी, फिर ब्रह्मा जी का एक दिन, ये हम काल कहते हैं। ये काल नहीं है, ये काल का नाप है। देखो इसीलिए अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, मुझे ये मत डराओ, यहां करोगे तो इतने साल के बाद मेडिटेशन करने से परमात्मा प्राप्त हो दे, ये सब बकवास है, टाइम का कोई चक्कर ही नहीं। इसीलिए कहते हैं नाउ एंड हियर, अभी है तो ठीक है, तब मिलेगा, तहां मिलेगा, उस परिस्थिति में मिलेगा परमात्मा, जो परमात्मा का भूत होगा, परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा की उपलब्धि यहां अब इस स्थिति में इसी क्षण होती है। देखो महाराज, इसीलिए मुझे काल काल के चक्कर में मत डालो। अब देखो 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्वरूप दिखाते हैं, तो पहले पहले तो गुड़ी गुड़ी दिखाया, तो अर्जुन बड़ा खुश था। और जैसे आगे चलते चलते फिर उन्होंने दिखाया अपना उग्र रूप, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, सब के सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान उनको खा रहे गाजर मूली के जैसे, और दांतों के बीच में किसी की टांग आ गई, किसी की गर्दन आ गई,
और भगवान अपने जिह्वा से लपेट करके फिर निगल रहे। ये जब रूप अर्जुन ने देखा, अर्जुन भयान अगर राम राम, क्या ये भगवान है? भगवान को उग्र रूपा। भगवान उस समय कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धा। वो काल का अर्थ है, ये जो घंटा है, 1 साल, 2 साल, 25 साल, ये काल का नाप है महाराज। और ये काल का नाप तब पैदा होता है जब मन होता है। तब देखो, यदि आपका मन सो गया तो काल का जन्म नहीं होता, जिसको हम काल कहते हैं, 1 घंटा 2 घंटे, उसको उसका जन्म नहीं होता। देखो, तो ये काल क्या है वो मुझे बताओ। भगवान कृष्ण जब बताते अर्जुन को 11वें अध्याय में, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा। अब इसको समझ लो, बड़ी सिंपल बात है। एक बीज टूटता है, फिर उसमें से एक छोटा सा पत्ता वहां रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, फिर उसका तना आ गया, फिर उसको डालियां आ गई, फिर पत्ते आ गए, फिर फूल आ गए, फिर फल आ गए, फिर फल पका, और फिर पकने के बाद नीचे गिरा, फिर उसकी मिट्टी हो गई, फिर दूसरा आया। ये कौन कर रहा है? यह तत्व जो सबके परिवर्तन का कारण है, लेकिन जिसका परिवर्तन नहीं होता उसको काल कहते हैं। अब देखो अपने में, बालक का देह आया, बड़ा धीरे धीरे धीरे, कहाँ गया बालक का देह? फिर टीनेज आया, बड़े गुंडागर्दी करी, फिर वो भी चला गया, फिर मध्यम वय आया, फिर वो भी बदलता गया। ये कैसे हो रहा है? ये जिसकी सत्ता में होता है उसको कहते हैं काल। उज्जैन के हमारे महाकाल भगवान है, वो ये है। तो हमारा ध्यान यदि इस काल के तरफ होगा तो ये परिवर्तनों से हम कभी प्रभावित नहीं होंगे। देखो संतो, अब मुझे बताओ, इस तत्व का चिंतन करने के लिए तबला पेटी चाहिए क्या? तबला पेटी, हरे कृष्णा हरे राम हर तेरी की। तो देखो संतो, इतना सूक्ष्म तत्व है, और ये सूक्ष्मता इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य सह नहीं सकता, फिर सो जाओ। हमको मन की केवल 2 स्थितियां मालूम है, एक अनेकाग्र और दूसरा शून्याग्र। या तो हमारा मन बंदर के जैसा एक से दूसरे जगह में कूद रहा है, भटक रहा है एक एक क्षण में, या तो दूसरी एक्सट्रीम शून्याग्र। हमारे मन को यही 2 ही स्थितियां पता है, या तो अनेकाग्र होगा या शून्याग्र होगा। जहां मन शांत हो गया और सोया नहीं, ऐसे मन को हम जहां चाहे, जब चाहे, जिस कार्य के लिए चाहे, जितने समय तक चाहे, ऐसे ही मन को हम लगा सकते हैं। दौड़ा भागी करना एक एक्सट्रीम, सोना दूसरी एक्सट्रीम। आवश्यक किसकी बात की है? इस बात की। मन शांत है, मन प्रसन्न है, और इसीलिए
मन 100% वर्तमान में है। इस वर्तमान मन में ही स्पॉन्टेनिटी होती है। स्पॉन्टेनिटी का तात्पर्य कार्य कारण के परे, व्युत्पन्न मति, इंट्यूटिव नॉलेज। देखो इसलिए कहते कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च। इतना जब नचिकेत को पता था तो और क्या जानना था। एक गलती जो हम सब करते हैं, कहते हैं अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। जिसको आप जानते हो वो मुझे बताओ। देखो माने अभी उनमें एक गलती रही थी, इस तत्व को हम अपने से अन्य के रूप में जान सकते हैं। आपने तो भगवान को जान लिया है, मुझे जी जना दो ना। आपने तो भगवान का दर्शन कर लिया है, मुझे ही करवा दो ना। देखो संतो, कल आपको बताया था नोइंग इज बीइंग, जानना और होना अलग अलग नहीं है। मैं हूं और मैं जानता हूं कि मैं हूं, ये अनुभव युगपत है, साइमल्टेनियस है, स्टेप बाय स्टेप नहीं है। हमारे जितने ज्ञान होते हैं मन के माध्यम से, वो सभी के सभी ज्ञानों में एक क्रम होता है। देयर इज ए सीक्वेंस, नॉन सिक्वेंशियल साइमल्टेनियस एक्सपीरियंस इज लिविंग इन गॉड। उपनिषद कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान कामान सह। सह माने साइमल्टेनियसली। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसकी सभी की सभी कामनाएं एक ही क्षण में पूरी हो गई। नाउ देयर आर नो लूज एंड्स। और नचिकेत का यही चक्कर था, जो आप देख रहे वो मुझे दिखाओ ना, ये बाकी का तो मुझे मालूम है सब कुछ। यत् तत्पश्यसि तद्वद। और यही सबके जीवन की पहली और आखिरी परेशानी है। तत्व को हम अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। देखो इसीलिए एकदम यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। कोई भी अनुभव आके चला जाता है, अच्छी बात है, लेकिन वो सत्य नहीं है। कोई भी आ जाए। हम बैठे थे ध्यान के लिए, भगवान कृष्ण आए और उन्होंने कहा यार कचोरी नहीं खिलाई और चले गए। अब तब से मैंने कसम खा ली, अब मैं रोज कचोरी खाया खाऊं। ये सब मानसिक है विकार। जब हमारा मन दुनिया की बातें सोच सकता है तो क्या भगवान की नहीं सोच सकेगा? देखो एक स्वामी थे, मुझे नाम का याद है, माधवानंद। वो पढ़ने के लिए आए। हमने कहा देखो भगत जी, आप भगत हो चक्कर में मत पढ़ो। बोले नहीं नहीं मैंने बहुत सालों तक उपासना करी है, भगवान कृष्ण की पूजा पोथी बहुत साल तक की है, अब मुझे वेदांत सुनने का शौक हो रहा। हमने कहा देखो तुम गलत जगह आए हो, बढ़िया भजन करो, मौज में रहो, खाओ सबको खिलाओ। बोले नहीं 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 मुझे पढ़ना है। हमने कहा तुम रोओगे बाद में? बोले नहीं 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 रोऊंगा। और उस समय हमारा विषय चल रहा था केनोपनिषद का। केनोपनिषद में 5 मंत्र आते हैं, यन मनसा न मनुते ये न आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यक्षुषा न च पश्यति ये न चक्षुगमश पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। 5 प्रकार से बताया। जो मन का विषय नहीं है लेकिन जिसके द्वारा मन को चिंतन करने की क्षमता प्राप्त होती है वह परमात्मा है, वह ब्रह्म जानना है,
और वह ब्रह्म आत्म रूप से जानना है, और वही ब्रह्म तुम हो। नेदम यदिदम उपासते, तुम ये जो घंटी बजा रहे हो इसको फेंक दो। ऐसा जब उन्होंने सुना सत्संग के बाद आए, स्वामी जी आपने बहुत भयानक, मेरा तो पूरा दिल टूट गया। हमने कहा, मैं पहले कहा था आपको, देखो महाराज एक ही क्षण ये ना हो कि प्रभु हमसे अलग है। देखो जैसे ये माइक में क्षमता है एम्प्लीफिकेशन करने की, लेकिन क्या बोलना है ये क्षमता इसके पास नहीं है। माइक एक माध्यम है, बोलने वाला कुछ और है। उसी प्रकार से अपनी वाणी एक माध्यम है, बोलने वाला मन है, मन एक माध्यम है, बोलने वाला चैतन्य है। देखो हम कैसे फंसे रहते हैं ये समझने की बात है। एक आपको उदाहरण देते हैं। एक हमारे मित्र है, दिल्ली में पुलिस अफसर है, बड़े अच्छे, बहुत ही वेदांत के सूक्ष्म अभ्यासु व्यक्ति है। पुलिस होते हुए भी पिछली बार आए और हमको कहते हैं, स्वामी जी इस समय मैं इतना बिजी हो गया हूं, समझ भी नहीं आता कैसे निकलूं, तो मैं 2 मिनट के लिए आपके दर्शन के लिए आया हूं, मुझे कुछ होमवर्क दीजिए 1 साल भर के लिए। तो मैंने उनको होमवर्क दिया। शाम को रात का समय था, 8-8:30 बजे मेरे कमरे में बैठा था मैं। हमने कहा तैयार, बोले हाँ, लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दे। क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, बोलते जाओ। बोले अंधकार है और कुछ नहीं है। पक्की बात है? बोले हाँ पक्की बात है। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन किया। अब क्या दिख रहा है? बोले अब आप दिख रहे हो, आपका लैपटॉप दिख रहा है, आपका बिस्तर दिख रहा है, आपकी खड़ाव दिख रही है, पानी की बोतल दिख रही है। अरे बोलते जाओ, बोलते जाओ। बोले और क्या है? हमने कहा मुझे तो और कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लाइट दिख रहा है। ये क्या हो गया? बोले लेकिन लाइट है कि नहीं? बोले हाँ लाइट दिख रहा है। तो तुमको क्यों नहीं दिखा? फिर मैंने कहा मुझे और कुछ दिख रहा है। क्या? मुझे बिजली दिख रही है। तुमको दिख रही है बिजली? हाँ क्यों नहीं दिख रही है? कारण मालूम है क्या है? तुम ये विषयों में भटक रहे हो। जब जग जाते हैं तो विषयों का महात्म्य, आदि भौतिक जगत सत्य लगने लग जाता है। वहां से हट करके लाइट पर आ गए। सुख दुख अब जी के क्या करेंगे, मन पे आ गए और सूक्ष्म हो जा, कौन सुखी दुखी है? तब पता चलता जो नहीं है वो सुखी दुखी है। देखो जैसा हमारा देहात्म भाव होता है तो यह स्थूल जगत उस उदाहरण के वस्तुओं के जैसा सत्य लगने लग जाता है। जब इस जगत में धक्के खाए तो सुख दुख हुआ, तो जगत से हटे मन पर आए और मन में ही फंसे रहे। जाने कहां गए वो दिन, कोई लौटा दो मेरे बीते हुए दिन। उसी कल्पना में भटक रहे हैं। और एक हाथ होता है कश्चित धी रहा प्रत्यगात्मा नमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छत। एक हाथ होता है जो अपने आप को दुनिया से समेट करके अपने पास आ जाता है। ये यदि नहीं हुआ हम पूछेंगे आपको, माफ करना स्वामी जी, पूछना नहीं चाहिए लेकिन मेरे मन में आए तो पूछ रहा हूं, आपको आपने भगवान को देखा है? तो उसकी क्या कथा है? हमने कहा मैं क्यों बताऊं तुमको, why should I tell you? नहीं 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 ऐसा कहते हैं कि रामकृष्ण को पूछा था विवेकानंद ने, ये अध्यात्म नहीं है महाराज।
देखो तो नचिकेत ने इतना सारा चिंतन किया, लेकिन एक खोट रही, परमात्मा को अपने से अन्य के रूप में ग्रहण कर लेगी। देखो महाराज, इसीलिए जो हमको आपको सिंपल टेक्निक बताते हैं, भगवान के दर्शन के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना, फिर उसको अपने हृदय से प्रकट होने दो। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, और भगवान तभी प्रकट होगे जब हम उनके प्राकट्य के लायक होगे तब। देखो हमारा बल्ब है जीरो पावर का, और उसके पीछे हम बिजली लगा देते हैं 1000 वैट की, तो फट से फूटेगा नहीं तो क्या होगा। अरे अपने को लायक बनाओ, तो अपने को लायक बनाना यही अध्यात्म है। देखो अलायकी क्या है, यही है हमारे अंतकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट जाती है, यही लायकी है। कामना रहित अंतकरण में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। जैसे हम किसी के यहां जाते हैं रहने के लिए, अभी प्रभु जी के यहां गए तो हमारा कमरा बढ़िया बना के रखेंगे और सुंदर रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। क्यों? कि स्वामी जी आ रहे हैं। तो एक आदमी आने के पहले हम इतनी तैयारी करते हैं, तो वो कन्हैया लाल को उतरना है तो झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा क्या? देखो संतो, ये कहने के पश्चात अब नचिकेत को उत्तर दिया जाता है यमराज के द्वारा। सर्वे वेदा यत पदम आवनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमि ते तद। कहते हैं यमराज, सर्वे वेदा यत पदम आवनन्ति, सभी के सभी वेद जिसका वर्णन करते हैं, भगवद गीता वेदश्च सर्वै ही अहमेव विद्या। देखो सभी वेदों का तात्पर्य अहम, मैं को जानने में है। और यहां क्या कहते हैं, सर्वे वेदा यत पदम आमनन्ति, माने सभी वेद किसकी बात कर रहे हैं, यत पदम पद्यते इति पदम, जो हमको प्राप्त करना है जीवन में आत्म रूप से, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो इसके प्रश्न की जो पहली खोट थी कि जो आप देखते हो वो मुझे दिखाओ, बोले यार वो दिखाते नहीं, ये तुम स्वयं हो। सर्वे वेदा यत पदम आमनन्ति, फिर तपाम से सर्वाणि से यद वदन्ति, जितनी तपस्या करते हैं किस लिए करते हैं, तपस्या का अर्थ त्याग है, तपस्या त्याग में होती है, हमारी तपस्या भोग में है। देखो ट्राई करो 365 × 3 इतने घरों में खाना खाओ, फिर देखो मध्य प्रदेश का क्या हाल है। तो लोग भूखा रह के तपस्या कर रहे, हमको खा खा करके लोग मरवाते हैं, तपस्या हो रही है। तो सभी तपस्या का तात्पर्य क्या है, तो कहते हैं तपान से सर्वाणि से यद वदन्ति, इस तत्व को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या है। तपस्या यो है जिसके द्वारा हम सबका त्याग करते 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 जिसके जिसने त्याग किया था उसका भी त्याग हो जाता है, और जिसका त्याग नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है, इसके लिए तपस्या। फिर यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और जिसकी इच्छा से साधु संत साधक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। देखो ब्रह्मचर्य के दो अर्थ है, एक अर्थ है भोग प्रवृत्ति से निवृत्त होना, और दूसरा है तत्व में समर्पित होना, ब्रह्मणि चरति। देखो जब तक के भोग का त्याग नहीं होगा और जब तक के आत्मसमर्पण नहीं होगा, तब तक के तत्व की उपलब्धि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखो तो क्या है वो, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूं, फॉर्मूला बताता हूं, परमात्मा का फॉर्मूला। कहते क्या है वो, ओम इत्येतद, ओम है। मांडुक के उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है 12 मंत्र का, उसमें ओम पर विस्तार से चिंतन हुआ है। मंत्र तो छोटे ही है लेकिन उस पर
गौड़पादाचार्य शंकराचार्य भगवान के गुरु के गुरु, उन्होंने बहुत सारी कारिकाएं लिखी है, उसमें इतना विस्तार किया है केवल इस ओम एक शब्द का। तो ओम किसको हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, ओम इति संग्रहेण ब्रवीमि। आपने देखा होगा अपने बच्चों के पुस्तकों में, वहां एक बच्चा अपने स्कूल से माने KG1 KG2 से जो भी हो घर आया, आने के बाद मम्मी को कहता है, मम्मी मम्मी तुमको पता है क्या बेटा, व्हाट इज ह्यूमन बॉडी? तो बोले हाँ पता है, बताओ क्या है? तो बोले डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, पापा जो कहते हैं तुम्हारे बारे में ठीक है कि तुम कुछ नहीं आता। और कौन है मम्मी? डॉक्टर नहीं है। और ये पुत्र कहता है तुमको कुछ नहीं आता? अच्छा बेटा तुम बताओ तुमको क्या आता है। फिर वो अपना घटिया पुस्तक निकालता है और उसमें दिखाता है आदमी की आकृति, और वहां एरो बनाए हैं और लिखा है, एक एरो बनाए इसको सर कहते हैं, हेड। तुमने कहां बताया? इसको लिम्ब्स कहते हैं। तुमने कहां बताया? वो कुछ नहीं आता। इसको स्टमक कहते हैं, एरो करके स्टमक दिखा दिया। ध्यान से सुनना, रूप और रूप का नाम, क्लियर हो गया? उसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत का लेवल है अ, स्वप्न का लेवल है उ, और सुषुप्ति का लेवल है म। अकार में जब विकार आते हैं तब उसको उकार कहते हैं। देखो अक्षराणाम अकारोस्मि, भगवान कहते हैं सभी अक्षरों में अकार मैं हूं, और इसी अकार के जो विकार है उसको उ के द्वारा कहा जाता है, और सभी विकारों की जब समाप्ति हो जाती है तब उसको मकार के द्वारा कहा जाता है। तो अप्रारंभ होता है अपने गले से बिना प्रयत्न से, पहली आवाज अ कहना नहीं पड़ता, उसके बाद वो उसमें विकार आने लग गए। फिर पहले विकार आते हैं कंठ प्रदेश में, कहते हैं क ख ग घ, फिर च छ ज झ न, फिर ट ठ ड ढ ण, फिर त थ द ध न, फिर प फ ब भ म, प फ ब भ म, म आया ओष्ठ्य, दो होठ चिकट गए। तो पूरा का पूरा ज्ञान कहां है? अकार से लेकर के मकार तक। जहां आप दो ओंकार का उच्चारण करो तो ओम ओम ओम, तो ये तीन मात्रा होगी ओंकार की, अ उ म, उसके बाद अमात्रा, कोई मात्रा नहीं। मात्रा माने नापना, पहला अनुभव जागृत का नाप लिया, दूसरा स्वप्न का, तीसरा सब सुषुप्ति के अभाव का, चौथा कुछ नहीं। तो जो भाव और अभाव इन दोनों का आधार है वो इन भाव अभाव के परे है। देखो आप इस पर थोड़ा सूक्ष्मता से खेलना अपने कमरे में, श्री राम श्री राम श्री राम, हमने इस शब्द का श्रवण किया, उच्चारण किया, फिर ऐसे ही करो लेकिन दोनों के श्री राम के बीच में जरा गैप बढ़ाना, श्री राम श्री राम श्री राम, लेकिन इस समय ध्यान साइलेंस की तरफ देना, श्री राम श्री राम।
श्री राम। अब इस एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करना। शब्द को हम प्रकाशित कर रहे थे, शब्द के अभाव को माने शांति को उसको भी हम प्रकाशित कर रहे थे, तो हम कौन है? जो भाव और अभाव इन दोनों का जो प्रकाशक है वो हम है। शब्द शांति का विरोधी है, शांति शब्द की विरोधी है, हम किसी की विरोधी नहीं। ये जो सामान्य निर्विशेष अविरोध सत्ता है वो हम है। और यही पूरे जीवन में लगा लो, जागृत स्वप्न यह भावात्मक है, सुषुप्ति अभावात्मक है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब का प्रकाशक है वो ना तो सुषुप्ति का विरोधी है, ना स्वप्न का विरोधी है, ना जागृत का विरोधी है। जो ये निर्विरोध सत्ता है वही अपना स्वरूप है। ये कोई कठिन नहीं है। जैसे पुत्र पति और पिता इन तीनों की निर्विरोध सत्ता क्या है? आदमी। आदमी पुत्र को भी सपोर्ट कर रहा है लेकिन उस पर पुत्र का कोई प्रभाव नहीं, पति को भी सपोर्ट कर रहा है लेकिन पति का कोई प्रभाव नहीं, पिता को भी सपोर्ट कर रहा है पिता का कोई प्रभाव नहीं। यह जो सामान्य निर्विरोध सत्ता है ओम इत्येतद, इसको कहते हैं ओंकार। सर्वे वेदा यत् पदम आमनंदी तपांसि सर्वाणि यच्चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मविद् ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतद। देखो महाराज, और अब इस ओंकार की ग्लोरी कहते हैं, एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। इस एक अक्षर को, अक्षर माने जिसका क्षरण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, अपना स्वरूप किसी को भी अपने मरने का या अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। ये जो नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा, देखो हस्तामलकीय में ये विषय आता है, कहते एतदेवाक्षरम ज्ञात्वा, इसी तत्व को हमको आत्म रूप से पहचानना है, और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये झगड़ते रहेंगे। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही एक आलंबन है, इसीलिए ओंकार का जप बहुत पवित्र माना गया है। लेकिन वो ओंकार का जप करते समय उसकी प्रक्रिया ठीक से हो, केवल ओम करके उससे कुछ नहीं होता। एक एक सूक्ष्मता से देखे कि जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं और म को लंबा करते हैं तो आप देखो आपके शरीर की एक एक जो सेल है वो पूर्ण एकदम रिचार्ज हो जाती है। अन्य विचार आने की संभावना हुई तो दूसरे ओम को फायर करो। ओम देखो, एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम, यही अंतिम आलम माने सपोर्ट। यो यदि क्षति,
इसके द्वारा जो आप चाहो, क्या चाहेंगे? आध्यात्मिक साधक कुछ चाहता नहीं, तस्तर उसको उसकी उपलब्धि हो जाती है। कहते हैं ये तत्व कैसा है, न जायते म्रियते वा विपश्चित न यम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा, शरीर के छह प्रकार के विकार बताए गए हैं। कहते हैं अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड् विकारवत् एतत् स्थूलं शरीरम्। ये पहले माँ के गर्भ में होता है, फिर जन्म होता है, फिर ऊपर की ओर बढ़ता है, वहां सीलिंग लग गया तो चौड़ा बढ़ने लग जाता है, फिर उसमें रोग आते हैं, बुढ़ापा आता है, एक दिन वो मर जाता है। ये छह विकार जिसमें होते हैं उसको शरीर कहते हैं। शीर्यमाणत्वात् शरीरम, जो बिखर जाता है उसको शरीर कहते हैं। तो कहते हैं न जायते म्रियते वा, माने जिसमें ये छह विकार नहीं है। अब देखो ये छह विकार, क्या हमको अपने जन्म का अनुभव है, क्या बढ़ने का अनुभव है? देखो एक लड़की थी सिंधी की, अब पता नहीं कहाँ है वो, बहुत पुरानी बात है, 25 साल पहले की, अब तो वो दादी भी हो गई होगी। तो उस समय वो पढ़ती थी आर्किटेक्ट कॉलेज में और बड़ी गोल मटोल थी। तो उसकी माँ उसको कहती थी कि देखो बेटा तुम जरा खाने पर कंट्रोल करो, तुम इतनी गोल मटोल हो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। बोले मैं मोटी नहीं हूं, मैं कहां मोटी हूं, वो मानने को ही तैयार नहीं। जो व्यक्ति हमेशा मोटा रहा है उसको मैं मोटा हूं ये अनुभव नहीं आ सकता, उसको लगता है ऐसे ही होता है। जैसे जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनको यही लगता है कि ऐसा ही होता है, जैसे हमने चश्मा लगाया, हमको ये वस्तु जितनी नाप में दिखती है चश्मा निकलने के बाद एकदम छोटी लगने लग जाती है, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते इसी को हम सत्य मानने लग जाते हैं। इसी प्रकार से हमने पूरे जीवन में यही मान लिया है कि मैं शरीर हूं, उसको मानने लग गए। तो ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ये तो शरीर का जन्म हुआ, ना बढ़ने का अनुभव है और ना मरने का अनुभव है। इसीलिए न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब शरीर मर जाता है या मारा जाता है तभी हमको कुछ नहीं होता। इसीलिए आपको कल बताया था, यदि आपने वेदांत का, भगवद गीता का, उपनिषद का अध्ययन किया है तो आपको मरना मना है, मरने भी नहीं देते, बिल्कुल नहीं देंगे। मर के दिखाओ, देखो संतो इन ऐसे फंसे इस शरीर में निकलने को तैयार ही नहीं। तो न जायते म्रियते नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, ना तो इसका कोई कारण है ना तो इससे कुछ निकला है। देखो ये अंतिम दृष्टि है, परमात्मा के दृष्टि से जगत का दर्शन करो भक्ति शास्त्र कहता है। तो परमात्मा अपने जगत की तरफ कैसा देखेगा? अरे यार ये तो अपना ही विस्तार है, जैसे मां नहीं देखती बच्चे को, ये मेरा ही विस्तार है। तो वहां द्वैत का अनुभव होते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होती। देखो महाराज तब जीवन में रस आता है, रसो वही सहज रसगम हे वायम लब्ध्वानंदी भवति। इसीलिए जिन्होंने वेदांत ठीक से पकाया है उनके जीवन में ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं, ऐसे नहीं होता। आपको पता है नहीं, एक बंगाली ने कहीं पी रहे थे दोस्तों के साथ और एक ने शेर मारा कि ना शिकवा करता हूं ना गिल्ला करता हूं, तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूं। अब बंगाली को बोलना तो आता नहीं और चढ़ गई थी और फिर भी उसने अपना बोलना शुरू कर दिया, मुझे तो शेर नहीं आता लेकिन मैं इसी को दोहराता हूं, और शुरू कर दिया ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं, तुम साला मत रहो यही दवा करता हूं। डॉक्टर था। देखो महाराज जीवन में आनंद कभी घटता नहीं, जो घटता है वो दुख है। देखो महाराज
इसीलिए यहां कहते हैं नायम कुतश्चिन्न बहु कश्चित अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण अजहा जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। उसके बाद नित्य हमेशा ज्यों का त्यों है शाश्वत इसमें कोई परिवर्तन नहीं पुराण ये अनादि है अनंत है हमेशा ज्यों का त्यों है पुरा अपि नवा सबसे ओल्ड है लेकिन कभी बूढ़ा नहीं हुआ क्योंकि न हन्यते हन्य माने शरीर है शरीर के मरने से इसकी मृत्यु नहीं होती। हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। ये दो श्लोक जो है कन्हैयालाल ने यहां से चुरा करके भगवद गीता में ठोक दिए और रेफरेंस भी नहीं दिया कि मैंने वहां से चुराए। पुरानी आदत है चोरी करने की। द्वितीय अध्याय में ये दो श्लोक आते हैं। यदि मारने वाला ये सोचे कि मैं मार रहा हूं और मरने वाला ये सोचे कि मैं मर रहा हूं दोनों बेवकूफ है क्योंकि नायम हंति ना हन्यते ना तो ये किसी को मारता है माने ये कर्म का कर्ता नहीं और ना ये मरता है माने ये कर्म का कर्म नहीं है। देखो मैंने चावल खाया इसमें मैं हो गया कर्ता और चावल हो गया कर्म। इसी प्रकार से मैंने उसको मारा तो मैं मारने वाला हो गया कर्ता जिसको मारा वो हो गया कर्म। भगवान कहते हैं हाँ कि यह ना कर्ता है ना कर्म है जो कर्ता कर्म के परे है वो अपना स्वरूप है महाराज इसको पहचानो। कैसे पहचानो अणोहो अणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यते वीत शोकः। देखो धातु प्रसादात महिमानमात्मना इस तत्व को कहते हैं कि तम अक्रतु पश्यते वीत शोक जिसके जीवन में वीत शोक जो दुखी नहीं है। ध्यान से सुनना दुखी आदमी को भगवान दर्शन नहीं देते उन्होंने मुझे बताया है दुखी आदमी को नहीं देते। किसको लगता है अच्छा दुखी आदमी यार चल यार रोना महसूस हो जा हट यार से। देखो तो कौन है वो अणोहो अणीयान महतो महीयान जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है। ध्यान से सुनना आपके पड़ोस में यदि डिस्को का स्टूडियो हो तो बिना चाहे आपको डिस्को के गाने सुनने पड़ेंगे। इसी प्रकार से तस्मात आत्मनः आकाश संभूतः यदि आप आकाश तक पहुंच जाओ तो आकाश का जो पड़ोसी है वो परमात्मा है। ये तीन आकाश की साधना योग वशिष्ठ में आती है। स्थूल जगत से निवृत्त होने के लिए साधना है हम स्थूल आकाश की धारणा करें। ये जो स्थूल आकाश है स्थूल जगत को आधार देता है किसी का तिरस्कार नहीं करता लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। द्वितीय अध्याय में भगवान ने यह बताया है। हम लोग भटक जाते हैं सूक्ष्मता से नहीं पढ़ने के कारण। वहां कहते हैं नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इसको ये पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रभावित नहीं करते। किसको नहीं प्रभावित करते आकाश को। तो ये धारणा करें आकाश का अनुभव कैसा होगा। तो आकाश का आदि मध्य अंत नहीं है शरीर का आदि मध्य अंत है। तो अपन तो शरीर हो ही नहीं सकते। शरीर का आकार है आकाश निराकार है। शरीर पर सबका प्रभाव है आकाश पर किसी का प्रभाव नहीं। तो साधना क्या होगी। साधना होगी जगत के विषयों के प्रति संग्रह बुद्धि समाप्त हो जाएगी। क्या करेंगे दुनिया की चीजों को इकट्ठा करके। देखो वस्तु के प्रति आकर्षण अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे बचपन में छोटी छोटी चीजों को लेकर कितना परेशान होते थे गिल्ली डंडा लेकर के परेशान हो गए
अब बड़े होने के बाद वो निकल गया और दूसरे खिलौने। देखो इसीलिए अणो हो अणियान, आकाश इतना सूक्ष्म है कि सुई की आंख में भी जाता है, महतो महीयान उसमें पूरी दुनिया बैठी हुई है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, बड़े से बड़ा ही है, केवल एक ही तत्व हो सकता है, वो है आकाश। तो पहली साधना भूताकाश की भावना, दूसरी चित्ताकाश की, चित्त के आकाश में ही सभी वृत्तियों का संसार होता है, वृत्तियां होती है सुख दुखात्मक। तो जैसे स्थूल आकाश स्थूल जगत से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से चित्ताकाश सुख दुख के अनुभूतियों से प्रभावित नहीं होता। और उससे आगे चले जाओ तो चिदाकाश में पहुंच जाते हैं। चिदाकाश जागृत पुरुष के जागृत जगत, स्वप्न पुरुष का स्वप्न जगत, सुषुप्त पुरुष का सुषुप्त जगत और समाधिस्थ पुरुष का समाधिस्थ जगत, ये चारों का आधार है, लेकिन चारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह जो चिदाकाश है यह सॉलिड स्पेस है, सॉलिड इसलिए इसके सिवा कुछ है नहीं, स्पेस इसलिए इसी में सब कुछ है। देखो जैसे सारी की सारी लहरें समुद्र में बाहर से आती है क्या? बाहर से नहीं आती, फिर कहां होती है? समुद्र के अंदर में जाके ढूंढो मिलेगी, फिर कहां से आई वो? तो समुद्र ही लहरों के रूप में आता है और वापस खत्म। इसी प्रकार से मई एव सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, मई सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्मि अहम्। सबका सब मुझमें ही प्रकट हुआ है, मुझमें ही रहता है और मुझमें ही वापस चला गया। पानी कहता है समुद्र मुझमें ही प्रकट हुआ, लहरें मुझमें ही प्रकट हुई और ये सब की सब मुझमें ही वापस आ जाती है। और मेरे दृष्टि से देखो तो ना समुद्र है ना लहर है। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्यमि योगमैश्वरं भूतभृन्नज भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। मैं जो निराकार हूं सभी मूर्तियों के आकार का आधार हूं, इसीलिए वो सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि मूर्तियों का जन्म विकार मृत्यु होता है, मेरा ना तो जन्म मृत्यु विकार हुआ है। और मेरे दृष्टि से देखो तो ना कुछ मुझमें है ना मैं उनमें हूं, एकमेव अद्वितीय। यह जो तत्व की बात बता दे भगवान, उसको हमको ग्रहण करना है। इसीलिए अणोहो अणियान महतो महीयान आत्मा से जंतो हो निहितो गुहायाम। तो जिस परमात्मा को ढूंढ रहे जंतो हो गुहायाम निहितः, अपने ही हृदय में उसका दर्शन करें। देखो महाराज अगले बार आप जप करोगे ना भगवान का, जो भी आप जप करते हो, श्री राम जय जय राम, उस समय इधर ध्यान देना, ये श्री राम का श्री अपने इस आध्यात्मिक हृदय से प्रारंभ होता है, श्री राम, वही उसका स्पंदन होता है और वही वो वापस जाता है, श्री राम। श्री राम तो यह मंत्र मुझमें ही प्रकट हुआ, मुझमें ही रहा और मुझमें ही वापस आ गया। तो चाहे मैं मंत्र करूं या ना करूं, मैं ज्यों का त्यों, इसकी दृढ़ता के लिए मंत्र का उच्चारण करने से, समझदारी से, मैकेनिकली नहीं। हम लोगों का मंत्र चैंटिंग कैसा होता है, जैसे कोई आयुर्वेदिक दवाई आपको दी हो खाने के लिए। आदमी आयुर्वेदिक दवाई जो है वो टेस्ट से थोड़ी खाता है, कहा करके एकदम एक रसगुल्ला खा लो, क्या देते हैं पता नहीं,
हमारा जप करने का तरीका वैसा ही, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, जितने भगवान है सब कंफ्यूज हो जाते हैं, यह किसको बुला रहा है, मेरा तो मंत्र नहीं लगता है, तुम्हारा मंत्र है क्या, नहीं मेरा भी नहीं है यार, गुनगुना रहे भौरे, ये कोई मंत्र है, भगवान का मंत्र का जब होता है जैसे चॉकलेट खाते हैं वैसा, चॉकलेट कैसा खाते है, मुंह में रख दिया और निगल लिया, नहीं मुंह में रखा पार्किंग लॉट में रख दिया और फिर धीरे 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 घंटों तक उसका आनंद आता है। इसी प्रकार से राम नाम का रस हृदय में प्रकट हो जाता है, वो रस जो है वही आनंद के रूप में बाहर आता है, फिर ना किसी से शिकवा है ना किसी से गिला है। देखो महाराज, इसीलिए आत्मा से जंतो हो निहितो गुहायाम तम अक्रतुहु पश्यति वीत शोकः, तम वीत शोकः अक्रतुहु पश्यति, इस तत्व को वही जान सकता है जो किसी भी प्रकार से अक्रतुहु जगत में फंसा नहीं है। वीत शोकः, उसके जीवन में ये दुख का कोई प्रभाव नहीं है, ध्यान से सुनना, दुख है लेकिन दुख का प्रभाव नहीं है। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितदिहि मुनि उच्यते। तो कहते तमक्रतु पश्यति वीतशो, धातु प्रसादात महिमानमात्मनः, धातु का अर्थ है अंतकरण, अंतकरण के प्रसाद से, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। इसीलिए संतो सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना हमेशा प्रसन्न रहना, इसीलिए मौज में रहो। देखो नहीं, आध्यात्म साधना के नाम पर ऐसे ऐसे भयानक दिखते हैं, अरे राम राम राम, कोई इधर उधर बैठा है ऐसा कि महाराज जी हमको हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि आंखों को आधा खोलना चाहिए, लेकिन मेरा होता ही नहीं, उनको मैं जब मैंने पूछा तो मुझे उन्होंने डांटा, अब मैं क्या करूं। हमने कहा तुमको समझ में नहीं आया इसलिए तुमको डांटा, क्या समझ में नहीं आया, आधी आंखें खोल ली, हाँ कितनी आंखें है तुमको, दो, दो का आधा कितना हो गया, एक, करो उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। कहते हैं कि जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला लेनी चाहिए, एक और आगे जाके हाइब्रिड माला लेनी चाहिए, एक मणि जो है वो स्फटिक का, दूसरा रुद्राक्ष का, तीसरा तुलसी का, इससे क्या होगा महाराज, फालतू के प्रश्न बहुत आते हैं, क्या होगा, देखो बेटा ये जो स्फटिक है ना ये आपको लक्ष्मी प्रदान करेगा, एकदम चेहरा फूल गया, फिर ये जो रुद्राक्ष है ना सब पैसा ले लेगा, अरे यार ये इसका कोई मतलब नहीं है, अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट होने दो। आप जब खुश होते हो ना उस समय आपकी समाधि है, देखो भगवान के सामने रोते रहो तो वो समाधि नहीं, वो संसार है। देखो इसीलिए तमक्रतु पश्यति वीत शोका धातु प्रसादात महिमानमात्मनः, तो अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानना है तो उसकी उसका प्रारंभ होता है हमेशा प्रसन्न रहो। फिर ये प्रसन्न व्यक्ति जो है उसी को अगले मंत्र समझ में आएंगे, और जिनको अगले मंत्र समझ में नहीं आएंगे उनको कुछ रोग हो गया है, संसार का रोग हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।